हक के लिए डट जाना, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का फलसफा, और कश्मीरी इसी फलसफे पर अमल पैरा हैं। उन्होंने हर पेशकश ठुकरा कर भारत को यह पैगाम दिया कि हमारी मंजिल आजादी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मजहबी आजादी पर भी कदगन है, आजादारी पर आज पाबंदी है, ईद पर नमाज की इजाजत भी नहीं दी गई। इंसानी हकूक के अलमबरदारों को मकबूजा वादी का नोटिस लेना होगा। और हुसैनियत का जो फलसफा है वो आपको खौफ से आजादी दिलवाता है, वो खौफ से आजादी दिलवाता है, और आज वो उस जज्बे पर अमल करते हुए अपनी कोशिशें उन्होंने जारी की हुई हैं। हुसैन के मानने वाले वो कश्मीरी जफाकश ना माने, उन्होंने कहा हम दिल्ली की तरफ नहीं देखने चाहते, हमारी मंजिल अब आजादी है, हमारी मंजिल अब आपके जबर से आजादी है। और फिर जबर की कोई कमी ना बची होगी कि आज भी मजहबी आजादी पर कदगन है, आज भी पूरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज आजादारी पर पाबंदी है, आज वहां मुहर्रम के जुलूसों की इजाजत ना है। जिन्होंने देखा कि अभी कुर्बानी की ईद थी, जामिया मस्जिद श्रीनगर में मस्जिद को ताला था, इजाजत नहीं थी, ईद की नमाज की इजाजत न थी। हमारे जो इंसानी हकूक के अलम्बरदार हैं उन्हें बहुत सी कोताहियां दिखाई देती हैं, और ये इस किस्म की ब्लेटेंट जो वायलेशन है बेसिक फंडामेंटल राइट्स की, वो उन्हें दिखाई नहीं देती। मैं समझता हूं कि आज की इस हुसैनिया कॉन्फ्रेंस को मिन जुमला एक करारदाद के जरिए आज जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए।